हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो ख़ास तौर से इसलिए बनाने जा रहे हैं ताकि सभी निवेशकों को पता चल सके कि सहारा ग्रुप कितना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता है। इसी को लेकर दोस्तों ये हम आप वीडियो बनाने जा रहे हैं। सहारा इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट का कितना सम्मान करता है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर नए व्यवसाय पर रोक के बाद भी सहारे के ऑफिस में सादा कागज़ का व्यवसाय लिया गया, इसका सबूत सहारा का चाटुकार जगदीश प्रकाश स्वीकार करते हुए उसका भुगतान सहारा इंडिया ऑफिस में होगा। अब ऑफिस बंद हो चुके हैं तो भुगतान सादा कागज़ पर जमा कराने का क्या मतलब है। सारा रिफंड पोर्टल में सोसाइटी के सर्टिफिकेट पर भुगतान में कमियां दिखाई जा रही हैं। दोस्तों, वो कमियां इसीलिए दिखाई जा रही हैं क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद भी क्रेडिट सोसाइटी का काम सादे कागज़ पर किया गया और वो पैसा ऑफिस से मिलना था, लेकिन ऑफिस ही बंद हो चुके हैं। अब ये निवेशकों का जो यहाँ पर डेटा जा रहा है उसमें केवल रिजेक्टेड का ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केवल सादे कागज़ पर काम किया गया, इसलिए क्योंकि इस कंपनी पर प्रतिबंध था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निवेशकों का शोषण हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अमित शाह द्वारा जो पोर्टल चालू किया गया, इस पोर्टल के माध्यम से निवेशक अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करा रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बावजूद भी उनका वहाँ पर पैसा ना होने का मतलब यही है क्योंकि ये सारे काम इलीगल किए गए और अब ये सामने आ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस कंपनी की इतनी गहराई में नहीं गए, यही वजह है वो खाली पीली अब निवेशकों को ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा देना शुरू कर दिया, 10,000 से लेकर अब 20,000 का दे रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा तो सही है, लेकिन मतलब कहने का यही है कि जिन लोगों का सादे कागज़ पर जो पैसा लिया गया उसका कोई ब्यौरा सहारा सोसाइटी के पास नहीं है, इसका मतलब साफ है कि ये पैसा गबन किया गया है। जो अमित शाह जैसे गृह मंत्री को इस बाबत अवगत नहीं है कि कितनी धांधलेबाजी सहारा इंडिया में करी गई है। तो दोस्तों, इस पोर्टल के माध्यम से हमें कोई निवारण नहीं होगा, जब तक इनके चाटुकारों की सच्चाई सामने ना आए तब तक निवेशकों का पैसा नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट में। धन्यवाद। जय जय।